Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruhi College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all the topic that is development of secondary education in India in post-independence period. Prior to this, I have already discussed with you the development of secondary education in India in pre-independence period. Okay, so let's start. बात हो गई, हमने शुरुआत की थी वुड्स डिस्पैच तक और हम आए थे आखिर में 1947 तक, लास्ट में आपका वो सार्जेंट रिपोर्ट 1944 तक, उसके पहले आपका सब प्रू कमेटी रिपोर्ट, सारी बातें आपसे हो गई। अब जैसे ही भारतवर्ष आज़ाद होता है, ताराचंद कमेटी बैठती है 1948 में, आपको पता है 1947 में ही आज़ाद हुआ, 1948 में द कमेटी अपॉइंटेड डॉक्टर ताराचंद, दी देन एजुकेशनल एडवाइजर, जो डॉक्टर ताराचंद थे वो शैक्षिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और वो चेयरपर्सन थे, इसीलिए इस कमेटी का नाम ताराचंद कमेटी रखा गया। उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, क्या सेकेंडरी स्कूल्स मस्ट बी मल्टीपर्पज टू केटर फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द पीपल्स। बार बार हर कमेटी हर कमीशन कह रहा है कि जो द्वितीयक स्तर पर शिक्षा दीक्षा दी जा रही है उसको आप बहुउद्देशीय कर दीजिए ताकि विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस कमेटी ने भी कहा देयर शैल बी वन मेजर एग्जामिनेशन एट द टर्मिनेशन ऑफ द सेकेंडरी स्टेज इन स्कूल। और वो कह रहे हैं कि जब टर्मिनेशन वाला एग्जाम यानी कि ट्वेल्थ का जो बोर्ड है या ट्वेल्थ का जो एग्जामिनेशन है, ऐसा एक मेजर एग्जामिनेशन होना चाहिए, ऐसा ताराचंद कमेटी ने कहा। और उन्होंने कहा कि सैलरी एंड द अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द टीचर्स शुड बी एज रिकमेंडेड बाय केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इस तरह से करके केब है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सर्विस कंडीशन और सैलरी वैसी होनी चाहिए जैसा केब ने रिकमेंडेशन दी है। फिर आपको पता ही है कि ताराचंद कमेटी ने ही रिकमेंडेशन दी कि आप एक एक्सक्लूसिवली एक एजुकेशन कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन को देखने के लिए बना दीजिए। तो 1952-53 में आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है, जो मुदालियर कमीशन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके चेयरमैन थे, जो कि वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने द कमीशन वॉज इंस्ट्रक्टेड टू चेक द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम। उसको ये जिम्मेदारी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आप देखिए सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या स्थिति है देश में और सूटेबल मेजर्स हमको बताइए कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है। तो रिकमेंडेशन उन्होंने ऐसे बताई कि टू रिकॉग्नाइज द एजुकेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, कह रहे हैं कि पहले तो आप एक पैटर्न बनाइए एजुकेशन का। फिर आपको पता है कि 1986 में ये 10+2+3 हो गया। द करिकुलम पैटर्न मस्ट हैव इलास्टिसिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन, वो कह रहे हैं कि करिकुलम पैटर्न ऐसा रखिए जिसमें डाइवर्सिफाई हो और इलास्टिसिटी हो, मतलब रिजिड ना हो, यानी हर बार डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी रिफॉर्म, वो कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो होना चाहिए वो उसको सुधार दीजिए। देयर शुड बी मल्टीपर्पज स्कूल्स एट हायर सेकेंडरी लेवल, वो कह रहे हैं उच्च स्तरीय जो हायर सेकेंडरी लेवल है उस पर आप मल्टीपर्पज स्कूल्स बनाइए। पब्लिक स्कूल शुड कंटिन्यू एंड द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एस्टैब्लिश रेजिडेंशियल स्कूल्स इन रूरल प्लेसेस, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे को शहरी वही इतने विद्यालय नहीं है, तो आप कह रहे हैं रेजिडेंशियल बना लीजिए ताकि बच्चा वहीं पढ़े वहीं रहे। उन्होंने और चूंकि इंग्लिश की बहुत प्रधानता हो गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, तो कहा गया कि मदर टंग को आप रीजनल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाइए। कॉन्स्टेंट एंड रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ द पीपल्स प्रोग्रेस शुड बी मेड कंपलसरी थ्रू आउट ईयर, यहीं से सब यही सब आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन बन रही है किसकी, सीसीई की जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात बाद में निकल के आती है। उन सबकी शुरुआत इन्हीं रिकमेंडेशन से हुई। इन्होंने कहा कि थ्रू आउट द ईयर आप बच्चे का मूल्यांकन करिए, अप्रेजल करिए, आकलन करिए जो सतत हो और रियलिस्टिक हो। सर्विस कंडीशन ऑफ द टीचिंग पर्सन मस्ट बी इम्प्रूव बाई रेजिंग पे स्केल्स, और उस वक्त शिक्षकों की जो सैलरी थी वो बहुत पुअर थी, तो कहा गया कि उसको सुधारिए जिससे कि बढ़िया इंटेलेक्ट को आप टीचिंग प्रोफेशन में आकर्षित कर सकें अच्छी सैलरी के साथ, क्योंकि सैलरी अच्छी नहीं है तो कोई रुकना नहीं चाहता था यहाँ। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन शुड गाइड एंड एडवाइज द एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स हैं एजुकेशन के, उनको जो शिक्षा के विभाग हैं उनको निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। फिर आता है आपका एजुकेशन कमीशन 1964-66, जो कि कोठारी कमीशन के नाम से विख्यात है, जाना जाता है, पॉपुलर है, प्रचलित है। और सेकेंडरी एजुकेशन पर इसकी प्रमुख संस्तुतियाँ थी कि कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, जो शिक्षा की जो संरचना है उस और पैटर्न है उसको पूरा उसको रेजुविनेशन कर दीजिए, बदल दीजिए, आमूल चूल उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इन्होंने कहा 7 से 8 साल की आप प्राइमरी स्टेज की शिक्षा दीजिए, लोअर सेकेंडरी स्टेज को 2 से 3 साल का दीजिए जनरल एजुकेशन में और 1 से 3 साल का वोकेशनल एजुकेशन में, और हायर सेकेंडरी स्टेज को 2 जनरल एजुकेशन में 2 साल का कर दीजिए और 1 से 3 साल का वोकेशनल एजुकेशन में कर दीजिए, ऐसा एजुकेशन कमीशन ने कहा था। और करिकुलम के लिए इन्होंने कहा था कि द कमीशन कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू वोकेशनलाइज सेकेंडरी एजुकेशन इन ए लार्ज मेजर इन टू रेज इनरोलमेंट्स इन वोकेशनल कोर्सेज टू 20% ऑफ टोटल इनरोलमेंट इन द लोअर सेकेंडरी स्टेज एंड 50% ऑफ द टोटल इनरोलमेंट इन द हायर सेकेंडरी स्टेज, यानी कह रहे हैं कि आप वोकेशनल डाइवर्सिफाई करिए, वोकेशनलाइज कीजिए सेकेंडरी एजुकेशन को और उसमें इनरोलमेंट बढ़ाइए, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें नामांकन लें विद्यार्थी,
और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि लोअर सेकेंडरी स्टेज तक यानी 10th क्लास तक लगभग 20% टोटल इनरोलमेंट का 20% वोकेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करें और 12th तक उसका 50% वोकेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करें, ऐसा संस्तुत किया था कोठारी आयोग ने। फिर इन्होंने इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की भी बात की थी, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इगेलिटेरियनिज्म इन एजुकेशनल सिनेरियो यानी कि शैक्षिक परिदृश्य में समानता आ सके, इसके लिए कमीशन ने कहा कि लोअर सेकेंडरी एजुकेशन को फ्री कर दीजिए। अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू एक्सटेंड फ्री एजुकेशन टू ऑल नीडी एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि और ये कोशिश कीजिए कि सभी जरूरतमंद और जो डिजर्विंग है, जो जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसे विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। प्रॉपर प्लानिंग शुड बी मेड अबाउट द लोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाना है, इसके लिए नियोजन के बाद ही होना चाहिए। बाद में आ गया ना कि नेबरहुड स्कूल की बात की गई कि एकदम विद्यार्थी की रीच में हो। प्राइमरी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो 1 साल तक मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तक, और उससे बड़ा वाला जो सेकेंडरी है मान लीजिए वो 3 किलोमीटर की दूरी तक होना चाहिए, ऐसी बात की गई बाद में। फिर गाइडेंस एंड बेटर सुपरविजन फैसिलिटीज शुड बी मेड कंपलसरी, फिर कह रहे हैं कि जो ऐसे विद्यालय हैं उनमें निर्देशन और परामर्श की और सुपरविजन की बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। क्या होगा इससे, जब आप बेहतर प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा वहाँ रुकेगा यानी रिटेन होगा, यानी वेस्टेज और स्टैग्नेशन नहीं होगा, इन सब इसीलिए सुधारा जाता है। फिर आती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और क्योंकि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपसे डिस्कस कर चुके हैं इन टोटैलिटी, इसलिए आप सिर्फ देख लीजिए स्लाइड को कि सेकेंडरी एजुकेशन उसने क्या कहा है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की बात की है और शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी की है। फिर बींग अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस एंड नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसी में आता है कि MHRD और NCERT ने मिलकर कई प्रपोजल्स बनाए कि हम क्या करेंगे, मतलब वोकेशनलाइजेशन को पाएंगे और वोकेशनलाइजेशन क्यों नहीं पा पा रहे हैं, उसका उन्होंने बताया कि कुछ उसके पीछे कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि कोई वेल कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वोकेशनल पास आउट, जो वोकेशनल एग्जाम से पास हो रहा है पास आउट है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई आपसे बात हो गई, रिलक्टेंस इन एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट बाय द सोसाइटी ये भी बात हो गई, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर प्रोविजंस फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड करियर एडवांसमेंट फॉर द वोकेशनल पास आउट एक्सेट्रा, अर्जेंट स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द वोकेशनल सिस्टम आर देयरफॉर इंपरेटिव। तो ये आप वोकेशनल एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है सेकेंडरी एजुकेशन की वहां पर भी देख सकते हैं इसको। इसके बाद आती है आपकी मोस्ट इनोवेटिव मोस्ट अपडेटेड मोस्ट लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ये सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या कह रही है, ये कह रही है कि सबसे जो मेजर चेंज इसने किया, उसने जो इतने सालों से चला रहा था 10+2+3 का स्ट्रक्चर, उसको इसने बदल के 5+3+3+4 कर दिया है, बल्कि 5+3+3 कर दिया है जो 10+2+3 था। लास्ट वाला जो इन्होंने 10-11-12 मतलब 9-10-11-12 का एक क्लस्टर 4 बना दिया है, और इधर से नीचे के 3 जोड़ दिए, ये देखिए ना 5-3-8-3-11-4-15 हो जाएगा, और 5-3-8-3-11-4-15 हाँ, और वो 10+2+3 है वो 13 है, तो ये 2 साल का एक्स्ट्रा एडिशनल जोड़ रहे हैं, कौन सा वही जोड़ रहे हैं ECCE जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, जो ये फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फाउंडेशनल स्टेज बनाइए, 3 ईयर का आंगनवाड़ी कर दीजिए, 2 साल का प्राइमरी स्कूल कर दीजिए, 5 साल का ये हो गया, फिर प्रिपरेटरी स्टेज में आप 3-4-5 की पढ़ाई करा दीजिए, यानी कि 5+3 हो गया, फिर +3 में 6-7-8 की पढ़ाई करा दीजिए, और सेकेंडरी स्टेज में 9-12 की पढ़ाई करा दीजिए। तो ये जो यानी कि 10+2 था उनका, 10+2+3 था ना, 10th फिर +2 में 12th और +3 उनका ग्रेजुएशन जा रहा था, तो ये कह रहे हैं 10+2 को ही इन्होंने 5+3+3+4 में बांट दिया, यानी कि 12 को इन्होंने कर दिया है 5-3-8-3-11-4-15, तो ये 3 साल का ये जो आंगनवाड़ी जोड़ रहे हैं यही है एडिशनल, यानी कि प्राइमरी स्कूल में आंगनवाड़ी भी जोड़ के फाउंडेशन पहले मजबूत करिए, फिर बच्चे को तैयार करिए 3-4-5 में, फिर 6-7-8 में मिडिल स्टेज की पढ़ाई दीजिए, और 9-10-11-12 को एक क्लस्टर बना लिया पूरा। मतलब पहले क्या होता था, जो 9-10 का कोर्स से लगभग डबल से ज्यादा 11-12 का कोर्स है, तो बच्चा 10 के बाद 11 में जा रहा है तो एकदम दुनिया उसकी बदल जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 9-12 को मतलब पूरे कोर्स को लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन 4 हिस्सों में कर दिया है, तो उतना बर्डन उस पर नहीं है, ये सारी बातें हैं। और सेकेंडरी स्टेज को उन्होंने कहा 4 साल की होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाइए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागॉजिकल और करिकुलर स्टाइल पे बेस बनाइए, ग्रेटर डेप्थ के साथ पढ़ाइए, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू लाइफ स्पेन, सारी बातें की हैं, बार बार आपसे बात हो चुकी है, ये अच्छा री एंटरिंग इन होगा, ये N रह गया इसलिए I कैपिटल हो गया। फिर ये कह रहे हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कुड कंटिन्यू टू हैव द ऑप्शन ऑफ एग्जिटिंग आफ्टर ग्रेड 10 एंड रीएंटरिंग इन द नेक्स्ट फेज टू परस्यू वोकेशनल और एनी अदर कोर्सेज अवेलेबल इन ग्रेड्स 11 टू 12 इंक्लूडिंग ए मोर स्पेशलाइज्ड स्कूल इफ सो डिजायर्ड। ये आप जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे आप, तो आपको पता है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का कांसेप्ट है।
यानी कि आप कोर्सेज को बीच में छोड़ भी सकते हैं, फिर एंटर कर सकते हैं, मतलब पूरा फ्लेक्सिबल कर दिया है, बच्चे की स्टूडेंट सेंटर्ड कर दिया है, बिल्कुल स्टूडेंट ऑटोनॉमी कर दिया है। तो ये रहा भारतवर्ष में द्वितीयक शिक्षा का हिसाब किताब, फ्रॉम दी वुड्स डिस्पैच टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।